गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, हाउ आर यू? बढ़िया, ओके। तो हम कल हमने क्या किया था मैथ में? पहले सभी अपने अपने मैथ की बुक, नोटबुक भी निकाले और बुक, ठीक है, सभी अपने अपने बुक निकाले। तो कल हमने क्या किया था? चैप्टर 9 रैशनल। आज हम इसकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, 9.1 उसके सम करेंगे। रैशनल नंबर में कल हमने 5 रैशनल नंबर निकाल लेते थे, इक्विलेट रैशनल नंबर फाइंड आउट किए थे। तो आज हम जो सम करेंगे, सम देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल, हम करेंगे उसमें सेम रैशनल नंबर को, ठीक है। तो हम इनको करने के लिए कौन सा करेंगे? सेम रैशनल नंबर। सेम रैशनल नंबर, सेम रैशनल नंबर में जैसे पर फैट है आपका -7 5.21 एंड 3/9, सेम जो सेम है आपके। सेकेंड बाय -16/20 -25। ये हमने इसको सेम करना, ये सेम रैशनल नंबर है एक जैसे। फर्स्ट देखो, ये है माइनस का, ये है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो वो कभी भी सेम नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका माइनस इज नेगेटिव 3/9 इज पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव कभी भी सेम नहीं होता। तो ये आपका -7/1 कैन नॉट बी इक्वल 3/9। हम इनको पहले भी देख सकते पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपका ये सेम नहीं है, कैन नॉट बी इक्वल, क्लियर। सेकेंड बाय देखो -16/20 20/-25 दोनों में ही सेम। तो हम इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। कैसे करेंगे? इनको हम क्रॉसिंग में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -16/-25 क्रॉस में 20 और 20। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते, अगर इक्वल आ जाता है तो सेम है। 16 को कहेंगे तो 400, 20 20 400, माइनस माइनस प्लस, दोनों माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है। हम इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या है? दोनों सेम आ रहे हैं। तो आपका -16/20 इक्वल 20-25, क्लियर। तो हम कभी भी करें, इसको भी हम क्रॉसिंग में कर सकते हैं। जल्दी से अपने अपनी नोटबुक पे करें। गुड, सभी सम हम इनको क्रॉसिंग में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट वर्क करते हैं हम, -3/5 एंड -12/20 देखो, इसको भी करो आप, आपके लिए
के लिए सम, क्या करेंगे इसमें भी, तो सी में माइनस थ्री मल्टीप्लाई 20 माइनस 60 माइनस 12 मल्टीप्लाई 5 माइनस 60, देखो दोनों माइनस 60 में है सेम, माइनस 3 बाई 5 इक्वल माइनस 12 बाई 20, यहाँ इक्वल है इक्वल का साइन, यहाँ पर इक्वल नहीं है, वहाँ पे आप कैन नॉट बी इक्वल। सम और देखें, अपनी भी नोटबुक पे भी करें, 1/3 माइनस 1/9, ये देखो दोनों ही, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं होंगे। अपनी नोटबुक पे करें, जल्दी से कर लें, कर लें जल्दी से। कर लिए सबने, जी रब करें ना, रब करो के करिए सबने। ये थे आपकी, अगर हमने सीम देखनी हो कि ये रेशियो नंबर है जाने के नेक्स्ट सम, नेक्स्ट हमने करना सिंपलेस्ट फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटी छोटी पार्ट, जब तक इसकी कटिंग हो जाती है तब तक, जब तक हमारे पास कोई प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है माइनस 8/6, बी पार्ट है 25/45, सी पार्ट है 14/72, डी पार्ट है इसका माइनस 8/10। देखो इसको किसमें करना, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म 8 और 6 कौन से टेबल में है, हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 8/6 2 के टेबल में है, दोनों को 2 से डिवाइड आएगा माइनस 4/3, 4 और 3 सेम किसी भी टेबल में, 2 के टेबल में 6 और 8 था, हमने दोनों को लिए। सेकेंड 25 और 45 कौन से टेबल में है, 5/9, 5 और 9 किसी टेबल में नहीं है, माइनस 44/72
टू, इसको भी डिवाइड करेंगे, टू पे जाएगा ना दोनों के पीछे, 22, 36। अभी देखो 2 और 6 है, फिर भी ये 2 पे जाएगा, जब तक हम ये नहीं जाएगा तब तक हम इनको डिवाइड कर देंगे, 11 और 18 एक प्राइम नंबर है हमारा, 11 18 जाएगा 11 अपने टेबल में, क्लियर। नेक्स्ट -8/10 2 के टेबल पे, 4/5 5 का प्राइम नंबर है, 4 तो है लेकिन ये किसी में भी नहीं जाएगा, आप कुछ सेम टेबल, ठीक है, जल्दी से कर लें अपनी अपनी कॉपी पे। जल्दी करें, जल्दी कर ले सभी। करो आप, जल्दी से कर लिए सबने, देखो छोटे छोटे से सम और मान, इजी से हम इनको जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी क्लास भी छोटी सी और हम काम भी छोटे थे, जैसे बड़ी बड़ी क्लास होती जाएंगे ना 8th 9 तो सम भी हमारे बड़े आते हैं, लेकिन हमारा बेटा बेस यही रहता है, हम इनको ध्यान से करेंगे ताकि आगे जाके हमें किसी सामने भी प्रॉब्लम ना आए। नेसम हिसम फिल इन द बॉक्स, ये आपको बॉक्स देखो आपकी बुक पे भी है ना, बॉक्स दे रखे, ठीक है, उसको आपने फिल करना है, तो उसमें साइन कौन कौन सा लगाना, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, ये वाले साइन हमने इसमें पुट कर, फर्स्ट फाइव -5/7 बॉक्स 2/3 हमने इसमें साइन समोल देखे, आप सेकेंड पार्ट -4/5 बॉक्स -5/7 थर्ड पार्ट -7/8 14/16 फोर पार्ट में लिख रही हूँ, आप इनको सॉल्व करेंगे अपनी अपनी नोटबुक पे, 5 बॉक्स 7/4
जल्दी से आप भी अपने अपनी नोटबुक पे लिख लें जल्दी से। जल्दी करें। देखो हम क्या करेंगे इसमें, क्रॉसिंग भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी हो जाऊंगी को क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। देखेंगे पहले तो अपा जो समझना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली बड़ी आ जाए ठीक। जैसे हम इसको करेंगे माइनस फाइव मल्टीप्लाई थ्री, टू मल्टीप्लाई सेवन, पॉजिटिव है ना, जो ऊपर वाले टर्म में टू, तो आपकी आ जाएगा आंसर माइनस फाइव बाई सेवन ग्रेटर साइन टू बाई थ्री। जैसे सेकेंड माइनस फोर मल्टीप्लाई सेवन माइनस फाइव मल्टीप्लाई फाइव। तो बेटा हमें एक साइड का ध्यान रखना है कि जब दोनों ही माइनस में आती हैं तो जो छोटी टर्म होती है वो बड़ी पॉजिटिव हो तो बड़ी नहीं। इसमें हम देखो माइनस ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी फाइव, तो ग्रेटर कौन सी होगी, माइनस ट्वेंटी फाइव, माइनस वाला ये फार्मूला दिया ग्रेटर, क्लियर के। नेक्स्ट माइनस माइनस सिक्सटीन, फोर्टीन माइनस एट, दोनों सेम ठीक है, तो आएगा माइनस सेवन बाई एट इक्वल फोर्टीन बाई माइनस सिक्सटीन। इसमें साइन ही लगाएंगे लेस और ग्रेटर देन और इक्वल, माइनस एट इंटू फोर माइनस थर्टी टू, माइनस सेवन इंटू फाइव माइनस थर्टी फाइव। आप देखो इसमें से कौन बड़ी, माइनस थर्टी टू या माइनस थर्टी फाइव, जो छोटी है दोनों माइनस में ना, तो कौन सी आ जाएगी माइनस थर्टी टू एट बाई फाइव ग्रेटर देन माइनस सेवन बाई फोर। जल्दी करें अपनी अपनी नोट, क्लियर जल्दी से कर लें, जल्दी अपने अपनी नोटबुक पे सम करें। जल्दी अपने अपनी नोटबुक पे करें। ये आपके पहला बॉक्स, इसमें रैशनल नंबर भी फाइंड आउट करेंगे। हाँ
जल्दी से करें। Good. जल्दी कर लें। ये रख करो बेटा, मैं करिए सबने। और इसके संग पार्ट 1/-3 4 सेम करेंगे ना, कैसे करेंगे 1 × 4 -1 -3 -, प्लस। अब देखो कौन सी बड़ी, 4 बड़ी ना, पॉजिटिव है। 1 बॉक्स बना लेना यहाँ पर भी आप, ठीक है। तो आपकी से साथ साथ करते जाए। गुड, जल्दी कर लें। -5/-11 -5/11 वही बॉक्स 5 × 11 55 -5 × -11 -, प्लस। देखो दोनों इक्वल है, आएगा 5/-11 इक्वल 5/11, ठीक है। ये सारा आपका इक्वल भी और ग्रेटर और लेस थे। मैंने जल्दी से हाँ जी, हो गए बेटे सबके ओके। तो आज हमने क्या किया, 9.1 में ग्रेटर देन लेस देन ये देखिए ना इसमें, और स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, और ये भी देखिए कौन सा बड़ा सेम सभी एक चीज, कौन से सेम है कौन से इक्वल है, चीज़ें सेम। तो आज हमने रेशन नंबर पे ये सारे सम, आप भी अपने अपनी नोटबुक पे साथ साथ सम करते जाए, ठीक है। ईजी से सम टेबल लर्न करनी चाहिए, टेबल से सारे सम हो जाएंगे। ओके बेटा, अच्छे से कॉपी पे काम कर। ओके, हैव ए नाइस डे।